नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। आप सोच रहे होंगे आज मैं यह गीत क्यों गुनगुना रहा हूँ। इस गीत से कुछ याद आया। आपने 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एक पाठ पढ़ा था, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, उनकी फिल्म का यह गीत है। उस फिल्म की कथा के कथाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। आज हम उन्हीं फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया, अब अररिया जनपद के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ हुआ। आपके गांव का नाम है ओराही हिंगना। रेणु जी ने प्रारंभिक शिक्षा फरबिसगंज से प्राप्त की। उसके बाद आप विराटनगर नेपाल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1942 में स्वतंत्रता संघर्ष के आह्वान पर आप स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आपको जेल हुई, 3 वर्ष आपने जेल में बिताए और इस प्रकार राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यह यशस्वी कथाकार हमारे बीच से 11 अप्रैल 1977 को चले गए। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड जो आपकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई 1979। आपके कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अगिनखौर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। जो आपने संस्मरण लिखे वे इस प्रकार हैं, ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। आपने एक बड़ा प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज लिखा जिसका शीर्षक रहा नेपाली क्रांति कथा। आपके समस्त साहित्य को रेणु रचनावली के नाम से 5 खंडों में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार निश्चित रूप से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को श्रेष्ठतम योगदान दिया। अब हम कहानी का सार देखते हैं। कहानी है लुट्टन सिंह की। लुट्टन सिंह जिन पर बचपन में ही वज्रपात हुआ, जिनके माता पिता का निधन हो गया, उस समय 9 वर्ष के आयु में ही उनका विवाह हो गया था। यद्यपि बाल विवाह आज के संदर्भ में अपराध है, नहीं किया जाना चाहिए, पर यह कुप्रथा उस समय प्रचलित थी। अन्य कोई विकल्प न होने के कारण सास ने आपको पाला। सास को कुछ लोग तंग करते थे तो उन्हीं से बदला लेने के लिए लुट्टन सिंह ने अपने आप को मजबूत बनाया। वे अपने शरीर पर ध्यान देने लगे, खान पान पर ध्यान देने लगे और इसका फल यह हुआ कि वह पहलवान बन गए। पहलवानी के कुछ दावपेचों के साथ उन्होंने उन भयाक्रांताओं पर काबू भी पाया। एक बार श्यामनगर का मेला लगा। उस मेले में वहाँ का प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह आया, जो पंजाबी पहलवानों की जमात में सबसे मजबूत था। उसने एक के बाद एक इलाके के सभी पहलवानों को हराकर उन पर विजय प्राप्त की, शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त किया। शेर के बच्चे का ये टाइटल प्राप्त करने के बाद वह और अधिक आक्रामक हो गया। उसने सभी को चुनौती दे डाली कि कोई उसका मुकाबला करे। श्यामनगर के महाराज श्यामानंद भी शेर के बच्चे की इस प्रतिभा को देख करके उसे अपना राज पहलवान नियुक्त करने के बारे में विचार कर ही रहे थे
कि तभी लुट्टन सिंह ने चुनौती दे डाली। लुट्टन सिंह की चुनौती सुनकर के चांद सिंह एकदम से बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। बीच के लोगों ने उसे कुश्ती को छुड़वाया महाराज के कहने पर। महाराज ने लुट्टन सिंह के साहस की प्रशंसा की और उससे कहा कि पैसे लो और मेले में कुछ चीज़ें खाओ। पर लुट्टन सिंह ने कहा, दुहाई महाराज, मुझे कुश्ती करने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर महाराज ने लुट्टन सिंह को अनुमति दे दी। सारा मेला इस कुश्ती को देखने के लिए टूट पड़ा। सब ये देखने जा रहे थे कि अब लुट्टन सिंह का क्या होगा, क्योंकि चांद सिंह जो बादल सिंह का शिष्य था, सभी प्रकार के दांवपेच जानता था, उसे हराना कोई आसान काम नहीं था। जनमत सब चांद सिंह के पक्ष में था। दोनों के बीच में जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, चांद सिंह ने लुट्टन सिंह को दबा लिया। उसकी छाती फटने फटने को हो गई। तभी उसे ढोलक की आवाज सुनाई दी। ढोलक जिसे वह अपना गुरु मानता था, चटाक चटदा उठाकर पटक दे, चटाक चटदा उठाकर पटक दे। और इस प्रकार से उस ढोलक की धुन ने बिजली का काम किया और अपनी समस्त ताकत को एकत्र कर लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को परास्त कर दिया। यह बड़ी अविस्मरणीय घटना थी। पूरा मेला जय जयकार करने लगा। कोई महाराज श्यामानंद की जय जयकार, कोई लुट्टन सिंह की जय जयकार, और इस प्रकार से सभी बहुत प्रसन्न हुए। महाराज श्यामानंद ने कहा, वाह मेरे मिट्टी के शेर, तूने मिट्टी की लाज रख ली। इस प्रकार महाराज ने लुट्टन सिंह की प्रशंसा की, वह राज पहलवान बना। इसके बाद एक के बाद एक उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। काले खां के बारे में प्रसिद्ध था कि जब उससे कोई लड़ता है तो वह सामने वाले की को लकवा मार जाता है, उसकी ताकत समाप्त हो जाती है। लुट्टन सिंह ने उसे हराकर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लुट्टन सिंह जब मेले में जाता तो बच्चों की सी हरकतें करता, वहाँ खूब मिष्ठान खाता, बच्चों जैसा चश्मा लगा करके सीटी बजाता हुआ वापस आता। इस प्रकार से अपने बालपन को उसने कभी मरने नहीं दिया। राज बदला। श्याम नगर के महाराज की जगह उनका बेटा राजा बना। उसे जब व्यय के बारे में पता लगा तो उसने कहा, हॉरिबुल। उसके सचिव ने कहा, टेरिबुल। और इस प्रकार पहलवान जी को राज पहलवान के पद से निकाल दिया गया। अपने दो बेटों को लेकर के कोई विकल्प न देख करके लुट्टन सिंह वापस अपने गांव आ गया। गांव के लोगों ने उनके लिए एक झोपड़ी बना दी और वहीं ढोल बजाकर अपने बेटों को और गांव के लोगों को वह कुश्ती सिखाने लगा। बड़ी गंभीर टिप्पणी लेखक इस दृश्य पर करते हैं कि गांव के लोग क्या खाकर कुश्ती सीखते, क्योंकि गरीबी कभी भी इस प्रकार से खेलों में व्यक्ति को उभरने नहीं देती। पहलवान के दोनों बेटे दिन में मजदूरी करते और उसके बाद जो पैसा आता उसी के माध्यम से कुश्ती के दांव पेच सीखते। इसी स्थिति के बीच अचानक गांव पर वज्रपात हुआ। एक बड़ी विपदा आई, हैजे और मलेरिया की बीमारी फैल गई। इस बीमारी के प्रकोप से लोग घरों में मरने लगे। इलाज के पैसे नहीं थे। महामारी ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। ऐसी स्थिति में पहलवान अपनी ढोलक के माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाने लगा। गांव के लोग जब पहलवान की ढोलक को सुनते तो उसके माध्यम से अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते। वह कोई दवा नहीं थी, उसके माध्यम से कोई इलाज नहीं हो सकता था, पर उस ढोलक की आवाज़ को सुनकर के एक ताकत गांव के लोग महसूस करते थे और मरते समय उन्हें कष्ट नहीं होता था। लगातार अपने इस धर्म का पालन पहलवान ने किया। इसी दौरान उसके अपने दोनों बेटे इस बीमारी की भेंट चढ़े। उस दिन पहलवान ने लंगोट बांधा, कसरत की, अपने दोनों बेटों को कंधे पर डालकर नदी में बहा आया। लोगों ने सोचा अब कभी ढोलक नहीं बजेगा,
लेकिन रात को समाज कल्याण के लिए, गाँव को ताकत देने के लिए, लोगों को उत्साह देने के लिए पहलवान ने फिर ढोलक बजाई। इससे लोगों को बहुत हौसला मिला कि डेढ़ हाथ का कलेजा पहलवान का है। पहलवान के इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को ताकत मिलती थी। थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन के बाद ही अपने बेटे के गम में पहलवान भी समाप्त हो गया। ढोल की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। जब उसके कुछ निकटस्थ शिष्यों ने जाकर देखा तो पहलवान चित पड़े थे, शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था मुझे चिता पर भी शवासन में मत लिटाना, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ। वही पहलवान आज बीमारी के हाथों, अभावों के हाथों, अपने बेटों की मृत्यु के गम में चित हो गया था। इस प्रकार यह बड़ी मार्मिक कहानी है जो अपने कथात्मक सौंदर्य से और अपने उदात्त उद्देश्यों से हमें आकर्षित करती है। अब हम गद्यांश का वाचन करेंगे। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, भरियात शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या देखेंगे। प्रसंग, सबसे पहले प्रसंग, व्याख्या और फिर विशेष। तो प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक कहानी से ली गई हैं। इसमें लेखक ने वातावरण निर्माण करते हुए गाँव की स्थिति का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि इस समय जाड़े के दिन चल रहे हैं, अमावस्या की रात होने के कारण रात काली है, ठंड पड़ रही है अतः ठंडी है। गाँव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ है। इस मलेरिया और हैजे के कारण गांव भय से ग्रस्त है। एक शिशु की तरह गांव थरथर कांपता है। शिशु जैसे मासूम होता है, उसी प्रकार गांव के लोग मासूम हैं, पर वे मलेरिया और हैजे के कारण भयग्रस्त हैं। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य है। झोपड़ियां पुरानी हैं, घास फूस की हैं, जो उनकी गरीबी को दर्शाती हैं, और इस प्रकार उनका सम्मिलित साम्राज्य है। चारों तरफ अंधेरा और किसी प्रकार का कोई स्वर सुनाई नहीं देता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। यहाँ कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, मानवीय भावनाओं का प्रकृति पर आरोप लगाते हैं कि रात जो है वह आंसू बहा रही है। आंसू इसलिए बहा रही है क्योंकि गांव में मलेरिया और हैजे के कारण बहुत अधिक मृत्यु हो रही है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही है। लोग अपनी पीड़ा को अपने भीतर ही भीतर दबाने का प्रयास करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं पर पृथ्वी पर रात अमावस्या की है, अतः पूरी तरह से काली है, और यही काली माँ गाँव के लोगों के जीवन में भी छाई हुई है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। तारों का टूटना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लेखक इसका बहुत ही भावपूर्ण चित्रण करते हैं कि जब कोई तारा टूटता है तो वह पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है,
लेखक कहते हैं कि वह तारा भावुक है और पृथ्वी पर लोगों की जो असहज स्थिति है उसके कारण पृथ्वी की तरफ आता है, लेकिन चूंकि वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता तो उसके साथी जो अन्य तारे हैं वे उसकी असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वे चूंकि टिमटिमाते रहते हैं तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उसकी असफलता पर हंस रहे हों। विशेष के अंतर्गत आप कह सकते हैं प्रकृति का सुंदर चित्रण, वर्णनात्मक शैली, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, सहज स्पष्ट भाषा का प्रयोग। अब हम अगले गद्यांश को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगले गद्यांश का प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग दो में संकलित कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है। इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इस गद्यांश में लेखक लुट्टन द्वारा दंगल के दौरान विजय प्राप्त करने के दृश्य को चित्रित करते हैं। लेखक कहते हैं, लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। जब चांद सिंह ने लुट्टन को दंगल में दबा लिया तो उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई। उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धिना त्रिकट तिना, धाक धिना त्रिकट तिना। जैसा कि मैंने प्रसंग में बताया, इसमें चांद सिंह के द्वारा दंगल के दौरान लुट्टन सिंह से वह परास्त होता है, उसका वर्णन किया गया है। चांद सिंह शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था, तो अपने दावपेच के माध्यम से वह लुट्टन को दबा लेता है। उसकी आंखें बाहर आने को हो जाती हैं, छाती फटने को हो जाती है, और वहाँ राजा श्यामानंद मेले में जितने लोग आए हुए हैं वे चांद सिंह का गुरु बादल, पंजाबी पहलवान, सभी के सब चांद सिंह के पक्ष में हैं, जबकि लुट्टन के पक्ष में कोई भी नहीं है। सभी चांद को शाबाशी दे रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन लुट्टन, उसे ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है, धाक धिना त्रिकट तिना, धाक धिना त्रिकट तिना, और इस आवाज़ के माध्यम से वह सुनता है जैसे ढोलक उसे कह रहा हो कि दाव को काटो। वह दाव को काटने में कामयाब होता है और इस दंगल में विजय प्राप्त करता है। भाषा सहज सरल है, बड़ी ही सक्षमता के साथ ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से संवाद शैली में स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अब हम एक और गद्यांश इस पाठ का देखेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांगिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई, किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई दी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, डेढ़ हाथ का कलेजा है। चार पांच दिन बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर पहलवान की लाश चित पड़ी है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग दो में संकलित कहानी पहलवान की ढोलक से ली गई हैं। इनके लेखक निश्वरनाथ रेणु जी हैं। कहानी में बहुत ही कारुणिक दृश्य का चित्रण किया गया है, जब पहलवान के दोनों बेटे मृत्यु को प्राप्त होते हैं और स्वयं
पहलवान भी उन बेटों के प्रेम में अपने प्राण दे देता है, उसी मार्मिक दृश्य को इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया है। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी। राजा श्यामानंद की दी हुई यह रेशमी जांघिया पहलवान हमेशा जब किसी विशेष आयोजन में जाता था तो पहनता था, उस दिन भी पहन ली। उसने शरीर को मिट्टी मली, अपने नियमित कार्यक्रम में शामिल व्यायाम किया, कसरत की और अपने दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर वह नदी में बहा आया। लोग दंग रह गए, पुत्र की मृत्यु किसी भी पिता को हिला देती है, लेकिन क्या कोई पिता इतना भी मजबूत हो सकता है कि अपने दो दो जवान पहलवान पुत्रों की लाश उठाकर नदी में बहा आए। परंतु गांव के हौसले को बनाए रखने के लिए पहलवान ने यह कार्य किया। रात को फिर पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रात भी पहलवान ने अपनी ढोलक की आवाज़ को बंद नहीं किया, क्योंकि वह समझता था कि इस आवाज़ के माध्यम से समाज के लोगों को जीवन शक्ति मिलती है, तो वह शक्ति किसी भी प्रकार से कम नहीं होनी चाहिए। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई और इससे लोगों का उत्साह बढ़ा कि जब इतना बड़ा कष्ट सहने के बाद पहलवान भी जीवित रह सकता है, जिजीविषा के माध्यम से संघर्ष कर सकता है, तो हमें भी अपनी प्राण रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। संतप्त पिता माताओं ने कहा कि पहलवान के दोनों बच्चे मर गए, लेकिन उसका डेढ़ हाथ का कलेजा है जो इसके बाद भी अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा हुआ है। चार पांच दिनों बाद पहलवान स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब खुद बीमार उनके शिष्यों ने जाकर देखा तो उनकी लाश चित पड़ी थी। विशेष बहुत ही भावात्मक एकम कारुणिक दृश्य का प्रस्तुतिकरण लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। संवाद शैली है, वर्णनात्मक शैली है। डेढ़ हाथ का कलेजा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार साधारण भाषा के माध्यम से लेखक ने शानदार प्रस्तुतिकरण अपनी इन पंक्तियों में किया है। तो ये हमने पहलवान की ढोलक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है पाठ के साथ, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांवपेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वनियात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। इस पाठ में लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक नवीन प्रयोग करते हुए ध्वनियात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। उन ध्वनियात्मक शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चटदा घिड़दा, आजा भिड़ जा, चटाक चटदा, उठाकर पटक दे, ढाक ढीना, वाहरे पट्ठे, चटगिड़धा चटगिड़धा, डरना मत, धाक धीना त्रिकट तिना, दांव को काटो। इस प्रकार ध्वनियात्मक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से लेखक ने इस कहानी को, इस पाठ को जीवंतता प्रदान की है। अगला हमारा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? इस कहानी में अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जब लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले जब उसके माता पिता की मृत्यु होती है, उसकी सास को लोग परेशान करते हैं, जब श्यामनगर के मेले में वह चांद सिंह के साथ
दंगल करता है और उस दंगल में विजयी होता है, उसे राज पहलवान बनाया जाता है, उसे राज दरबार से निकाला जाता है, वह गांव में आता है जब उसके पुत्रों की मृत्यु होती है। इस पूरी कहानी में ये सारे बहुत ही मार्मिक और कारुणिक दृश्य हैं। अगला प्रश्न, इस पाठ में तीसरा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लुट्टन ने कभी भी किसी से दंगल की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। उसने एकलव्य की भांति अपनी आंतरिक शक्ति से ढोल के आवाज को सुन सुन करके, कुश्ती होते हुए देख देख करके कुश्ती सीखी। अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से उसने वह ताकत प्राप्त की कि ढोलक का सानिध्य पाकर, उस संगीत का सानिध्य पाकर, उन ध्वनियों के माध्यम से ऊर्जा पाकर वह चांद सिंह और काले खां जैसे पहलवानों को भी हराने में कामयाब हुआ। उसकी ढोल के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जब अपने सबसे बड़े दंगल में उसने चांद सिंह को हराया तो हराने के बाद जो सबसे पहला काम उसने किया, उसने जाकर ढोलों को प्रणाम किया। अपने पुत्रों को भी वह सिखाता था कि मेरा गुरु कोई और नहीं, यही ढोल हैं, तुम भी इन्हीं ढोलों को प्रणाम करना और इनके माध्यम से अपनी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न अब हम देखें, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या चार है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी और बेटों की मृत्यु के बाद भी लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा क्योंकि वह जानता था और मानता था कि ढोल की आवाज़ जैसे उसे ऊर्जा देती है, जैसे उसमें जीवंतता भरती है, जैसे उसमें जीवन का रस डालती है, ठीक उसी प्रकार गांव के अभावग्रस्त बीमार लोगों को भी प्रेरणा देने का काम करती है। बेटों की मृत्यु के बाद जब वह ढोल बजाता है तो गांव के लोग कहते हैं डेढ़ हाथ का कलेजा है। गांव के लोग सोचते हैं कि जब यह व्यक्ति अपने दो पहलवान बेटों की मृत्यु के बाद भी जीवन के प्रति ऐसी जिजिविषा रखता है तो हम क्यों न इससे प्रेरित हों और अपने जीवन की रक्षा करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर यह असर होता था कि इससे उनका दर्द कुछ कम होता था, वे अपनी पीड़ा को भूल जाते थे। इससे जो मृत्यु आती थी वह सहजता के साथ आती थी, उनके नेत्रों के सामने दंगल के दृश्य आ जाते थे और इन दृश्यों के माध्यम से उन्हें प्रेरणा मिलती थी कि वे मृत्यु के साथ दंगल करें, उसके साथ भिड़ जाएं, उसे चित कर दें। ऐसे भाव मन में आने से वे आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। मृत्यु जब आती थी तो उन्हें कष्ट नहीं होता था। प्रश्न संख्या 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। सूर्योदय जब होता था तो पूरा गांव वीरान था, झोपड़ियां टूटी हुई थी, लोग बीमार थे और ऐसी स्थिति में एक दूसरे का हाल जानने के लिए वे जाते थे। जो थोड़ी बहुत सहायता एक दूसरे की कर सकते थे वे करते थे, लेकिन रात होने के बाद पूरे गांव में अंधेरा छा जाता था। केवल किसी के कह करने की आवाज़ आती थी, किसी के कहराने की आवाज़ आती थी। माताओं में इतना हौसला भी नहीं बचता था कि वे अपने बच्चों को आशीष दे सकें, वे अपने बच्चों का सहारा बन सके। इस तरह सूर्योदय और सूर्यास्त के बहुत ही मार्मिक दृश्य इस कहानी में
लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कुश्ती या दंगल पहले राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? अब ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अब दूसरे प्रकार के खेल आ गए हैं। अब क्रिकेट की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान है, अब वीडियो गेम्स की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान है। अब हमारे जो अपने प्राचीन खेल थे वो कहीं नेपथ्य में चले गए हैं। यद्यपि कुश्ती में अब हरियाणा में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, बबीता जैसे जो पहलवान आपने दंगल फिल्म में देखा होगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही हैं, सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, योगेश्वर दत्त जी जैसे पहलवान ओलंपिक में पदक ला रहे हैं, तो इस खेल के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करें कि हमारा यह प्राचीन खेल पुनः अपनी श्रेष्ठ अवस्था को छुए। अगला प्रश्न है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? इसकी जगह अब क्रिकेट सबसे पहले आ गया है, उसके बाद हॉकी है, फुटबॉल है, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे वीडियो गेम आदि अधिक खेलने लगे हैं। वे मैदान में नहीं जाना चाहते, वे तकनीकी के माध्यम से खेल खेलना चाहते हैं, जो बहुत ही कष्टप्रद है। अगला इसका प्रश्न है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को फिर से प्रिय बनाने के लिए हमारे यहाँ अतीत में जो श्रेष्ठ पहलवान हैं उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, दंगलों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, सरकार की तरफ से बड़े बड़े आयोजन किए जाने चाहिए, और खेलों से राजनीति को समाप्त किया जाना चाहिए। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को खेल की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा हर विद्यार्थी के लिए एक खेल अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, आशय स्पष्ट कीजिए, आकाश से टूटकर, ये हमने व्याख्या के दौरान देखा, अतः इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अंतिम प्रश्न इसमें है, प्रश्न संख्या 9, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, पाठ में से ऐसे अंश चुनिए जो आशय स्पष्ट कीजिए। पाठ में अनेक स्थल ऐसे हैं जैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, ये एक दृश्य है जिसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो इसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि रात गांव वालों के दुख को दर्द को देख करके और आंसू बहा रही थी, अर्थात गांव के सभी लोग हैजे और मलेरिया के कारण इतने पीड़ित थे, वो इतने कष्ट में थे कि वे लगातार अपनी पीड़ाओं को आंसुओं के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। दूसरी पंक्ति है, रात्रि अपनी भीष्णताओं के साथ चलती रहती, तो इसके माध्यम से जीवन की निरंतरता की ओर लेखक संकेत करते हैं कि चाहे कितनी ही कष्ट की स्थितियां हों लेकिन उसके बाद भी समय गतिमान है, समय चलता रहता है। अतः इन सब चर्चाओं के माध्यम से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। यह एक बहुत ही शानदार कहानी है, इस कहानी में अनेक स्थल ऐसे हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, जिनके दृश्य आप आसपास देख सकते हैं। आज जब हम स्वयं कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं तो उस स्थिति में इस महामारी के दृश्य हमारे सामने और भी अधिक जीवंत हो उठते हैं। आप पाठ का गंभीरता से अध्ययन करें, कम से कम 2 बार कहानी का स्वयं वाचन करें, तत्पश्चात आप उसका अभ्यास कार्य करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।